السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. इस वक्त आलमे इस्लाम में जो बेचैनी और इस्तिराब और दुख की घड़ियां हैं वो किस वजह से हैं, उसका पस मंज़र क्या है, मैं ये समझता हूँ कि एक आमी से आमी मुसलमान भी उससे बखूबी वाकिफ है। फ्रांस की ज़मीन पर नबी रहमत सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और फिर फ्रांस के मौजूदा सदर का उस पर हिमायती बयान, हम उस गुस्ताखी का भी और फ्रांस के सदर के उस हिमायती बयान का भी, गुस्ताखी करने वाले की भी और फ्रांस के सदर की भी, बहैसियत मोमिन मुस्लिम खुलकर उसकी मजम्मत करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि ये किसी संजीदा शरीफ महज़ब इंसान का काम नहीं है, ये इंतहाई नीच गंदे मलीज नापाक कमीनगी और नंगेपन की दुनिया में इंतहा से ज़्यादा गिरे हुए इंसान का काम है। और फिर उसके बाद ये ज़रूरी समझते हैं कि अहले ईमान ये जान लें कि उनके लिए उनके रसूल की ज़ात, उनके नबी की ज़ात, उनके महबूब की ज़ात, सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनके लिए किस कदर कीमती है और आपका नामूस, आपकी इज्जत व आज़मत, आपकी शान अतहर, ये अहले इस्लाम के लिए कितना ज़रूरी है। अहले इस्लाम इसको समझ लें और समझकर इस दर्जे हसास हो जाएं कि वो मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिफाई पोजीशन लेते हुए आप अलैहि सलातु वस्सलाम की अजमत और आपके नामूस के मुहाफिज बने। अगर बात आए सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की अगर बात आए इमामुल अंबिया के अफकार व ख्यालात व नज़रियात की, अगर बात आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस्लामी सालेह इनकलाब की, अगर बात आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमतुल लिल आलमीनी की, अगर बात आए इमामुल अंबिया ने इस दुनिया को क्या दिया है, अगर बात आए कि क़ुरान की आमद से, क़ुरान के नुज़ूल से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस्लाम से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलाम से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निज़ाम से आलम दुनिया को क्या मिला है, तो अहले इस्लाम अपने आप में ये पोजीशन रखते हों, ये हैसियत रखते हों, ऐसा इल्म और ऐसी मानवियत उनको हासिल हो कि वो मुस्बत पैराए में, मुस्बत अंदाज पर, मुस्बत पहलुओं पर जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर सकें, आपके लाए हुए निजाम को, आपके लाए हुए इस्लाम को, आपके लाए हुए कलाम को पूरी दुनिया में वो मुतारफ करा सकें। ये अहले इस्लाम की जिम्मेदारी है और अहले इस्लाम को समझना है। और इसके अपोजिट में, इसके मुकाबिल में माजी की जो तारीख अहले इस्लाम की ताबनाक रही है कि जब जब किसी कमीने ने, किसी कुत्ते के बीज ने, किसी सुअर की औलाद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किसी तरह के नाज़ेबा कलिमात कहे, या ये कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अतहर में आपकी ज़ात पर, आपके निज़ाम पर, आपके कलाम पर, आपके असहाब पर, आपसे जुड़ी एक एक शे पर वो खुलकर तो कुछ ना कह सका, उसने इशारात में कलाम किया और उसने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ कहने की हिम्मत और जुरत की, तो अहले इस्लाम की ये ताबनाक तारीख है कि उन्होंने उसको सफहे हस्ती से ऐसे मिटाया कि उसकी नस्लों के लिए उसे मकामे निशान, उसकी नस्लों के लिए उसे निशान इबरत बना दिया। उसकी नस्लों ने फिर इस बात की जुरअत न की कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ कह सके। और मैंने मुस्बत और मनफी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया, हमारे लिए तो ये दोनों पहलू मुस्बत हैं, इसलिए कि ये दोनों पहलू दिफाई हैं, हमारे लिए ये दोनों पहलू मुस्बत हैं, लेकिन अहले दुनिया की निगाह में मुमकिन है कि इस दूसरे पहलू को मनफी करार दिया जाए, तो हम अहले दुनिया को भी ये बता देना चाहते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए हर दो पहलुओं से दिफाई पोजिशन रखते हैं। हमारी तारीख इससे भरी पड़ी है, जब जब रसूल पाक पर कोई बात आई है तो आपके दीवानों ने, आपके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों ने आपके नामूस का तहफ्फुज़ किया है और इस दर्जे किया है कि तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत के बैनर तले सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाही अलैह जेल में, सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अदालत में मौजूद हैं और अंग्रेज जज बहैसियत मुनसिफ, बहैसियत जज, बहैसियत काजी अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज है और हजरत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी ये बात कहते हैं कि जो आदमी नबुव्वत का दावा करे, क्योंकि ये भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप पर बाबे नबुव्वत को बंद कर दिया गया। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मेरे ज़माने में मौजूद होता, मैं उसे देखता तो उसका कत्ल कर देता, मैं उसका कत्ल कर देता। तो अंग्रेज जज ये कहता है कि आप ये क्या कहते हैं, अंग्रेज जज ये कहता है कि आप ये क्या कहते हैं, फरमाया अगर कोई इस ईमानी हरारत को और मेरे इस ईमानी जज्बे को नापना चाहता है और वो ये देखना चाहता है कि शाह अताउल्लाह शाह बुखारी में ये जज्बात किस दर्जे मौजूद हैं, तो वो अभी इसी मजलिस में दावाए नबुव्वत करे और फिर इसका नतीजा अपनी आंखों से देख ले। अताउल्लाह ने यह बात उसके लिए भी कही है और अताउल्लाह ने यह बात हर एक ऐसे फासिद इंसान के लिए कही है जो तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत पे डाके डालने वाला है। गर्ज ये के मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदुना व मौलाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिन्होंने हैवाने नातिक को इंसान बनाया, जिन्होंने बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वालों को उनसे मोहब्बत करना सिखाया, जिन्होंने मुआशरे को बाहम एक चीज़ के बजाय, जिन्होंने मुआशरे में औरतों को एक चीज़ के बजाय इंसानियत के शर्फ से नवाजा, जिन्होंने बड़ों का इकराम करना सिखाया, जिन्होंने बड़ों का अदब व एहतराम सिखाया, उसकी ताकीद फरमाई, छोटों पर शफकत सिखाई, जिन्होंने तालीम के चराग जलाए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, ज़ुआफ़ा के लिए, मसाकीन के लिए, बेसहारों के लिए, बेबसों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, हर एक इंसान के लिए और हर एक परेशान हाल के लिए जिन्होंने राहें तायन की और हर एक के हुकूक मुरत्तब किए, वो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, वो मेरे आपके आका मौला इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इस सिसकती हुई इंसानियत को, इस सिसकती हुई इंसानियत को जिला बख्शा है, जिन्होंने इस पूरी इंसानियत को तौहीद की डगर दिखाई है, जिन्होंने इस दुनिया इंसानियत को एक ऐसी राह से, एक ऐसी गुमराही से निकाल कर जो पूरे तौर पर जलालत का गढ़ा था और एक ऐसा हक का रास्ता उनको अता किया है कि जिसके नतीजे में पूरी दुनिया आज तौहीद के नगमों से गूंज रही है। वो मोहसिन इंसानियत, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया इंसानियत को अमन व मोहब्बत का सबक दिया, दुनिया इंसानियत को तज़ीम का सबक दिया, दुनिया इंसानियत को प्यार व मोहब्बत और भाईचारगी का सबक दिया, जिन्होंने इंसानों तो इंसान और जनाब मन इंसान तो इंसान जानवरों तक के हुकूक मुरत्तब फरमाए, जिन्होंने न सिर्फ ये कि अपने बल्कि अगियार के साथ भी मोहब्बत के तरीक़ सिखाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए आज अगर पूरी दुनिया में कोई कहीं किसी तरह की गुस्ताखी करता है तो हम अहले इस्लाम उसे ये बता देना चाहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के नामूस की खातिर दिफाई पोजीशन के लिए बल्कि उससे आगे बढ़कर हमले की पोजीशन के लिए भी इतने मजबूत हैं कि हम एक लम्हे के लिए इसको गवारा नहीं करेंगे और हम वही जज्बा रखते हैं जो हमारे अजदाद में, हमारे असलाफ में पाया जाता था, हमारे बड़ों में पाया जाता था कि हम वो उंगलियां जो उठती है मोहम्मद के नामूस पर, हम वो उंगलियां नहीं तोड़ते, हम उन हाथों को उखाड़ फेंकते हैं ताकि उंगलियों में वो जुरत और वो हिम्मत ही बाकी ना रह सके। और इसी के साथ साथ हम ये जरूरी समझते हैं कि अहले ईमान, अहले इस्लाम ये जान लें, ये समझ लें कि उनके लिए सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात किस दर्जे अहमियत की हामिल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उन पर क्या हुकूक हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शख्सियत उनके यहाँ क्या हैसियत रखती है, वो अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरामोश करें तो कहाँ, कैसे, कब और क्या गुंजाइश है। जी हाँ, हम ये जरूरी समझते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले ईमान अगर फरामोश करते हैं तो ये उनकी भूल है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात आली वो है जिनको जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी लम्हे, किसी सूरत कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसलिए अहले इल्म ने, उलमा ने, अहलुल्लाह ने क़ुरान से, हदीस से, उम्मत की इज्तिमाईयत से मसाइल का इस्तिंबात किया, उनको निकाला और निकाल कर उन्होंने ऐसे 10 हुकूक मुरत्तब फरमाए जो हुकूक ज़रूरी हैं कि हर अहले ईमान उनको समझ ले। इसलिए कि वो जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के हवाले से ये नहीं जानेगा कि मोहम्मद अरबी के उस पर क्या हक है, तो उनकी बजावरी में और उन हुकूक की अदायगी में जाहिर है कि उसके लिए वो तेज़ी, वो रफ्तार, वो रवानी पैदा नहीं हो सकती जो जान लेने के बाद हो।
قرآن مجید نے کہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. شریعت اسلامی نے, اہل ایمان نے 10 حقوق علماء کی صف, علماء کی جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 حقوق مرتب فرمائے. بالخصوص اس دور میں ہر اہل ایمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور ان حقوق کی ادائیگی میں سر دھنتے ہوئے, ادائیگی کی ہر ممکن سعی کرتے ہوئے اسے زندگی کے شب و روز کو طے کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر لازم ہیں, میں قبل اس کے کہ ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں اور قبل اس کے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 10 حقوق ہم پر واجبات کے درجے میں ہیں, جن کا زندہ کرنا, ادا کرنا, ہمارے لیے یاد رکھنا از حد ضروری ہے, قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھوں, ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ کی جیب میں پین ہے اور کاغذ ہے تو آپ اس کو نکالیے اور اس کو لکھیے, اور اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کس قدر علم اور آلات علم سے محبت کرتے ہیں. آج بڑا مسئلہ ہے کہ موبائل بھی ہے, ہینکی بھی ہے اور پتہ نہیں سب کیا کیا ہے, لیکن علم اور آلات علم سے واقفیت نہیں ہے. بارکیف اس کو نوٹ کیجئے, عرض کر رہا ہوں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر حقوق ہیں, لازم حقوق ہیں, انہیں ان عناوین کے تحت سمجھا جا سکتا ہے. نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. میرے ساتھ دہرائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. نمبر تین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. نمبر چار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا. نمبر پانچ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. نمبر چھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا. نمبر سات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرنا. یہ ابھی صرف اس کے عنوان سے اسے نہ سمجھا جائے, اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی. نمبر آٹھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی آپ کے گھر والے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا. آپ کے گھر والوں سے اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا. نمبر دو, نمبر نو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی, بہت اہم ہے نقطہ یہ, عرض کر رہا ہوں پھر سے سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. دہرائیں اس کو, یہ ایمان کا حصہ ہے. یہاں پنڈت گیری نہیں چلے گی, یہاں ہندوستان کی مصلحت ہی نہیں چلے گی, یہاں حکمت نہیں چلے گی, یہاں سیاست نہیں چلے گی, یہاں کتا پن نہیں چلے گا. میں بہت کھل کے بولوں گا آج انشاءاللہ, بہت واضح کر رہا ہوں. آپ کی سیاست آڑے آئے, آپ کے معاملات آڑے آئے, نیتاؤں سے آپ کے تعلقات آڑے آئے, آپ کی سیاسی مصلحتیں آڑے آئیں, بھاڑ میں جائیں آپ کی مصلحت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا, یہ محمد کا حق ہے جو ایک ایک امتی پر لازم ہے. اور آخری بات, دسواں حق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا. یہ 10 حق ہیں, ان کی تفصیل انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا. یاد رہے یہ وہ 10 حقوق ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر حق کی حیثیت سے واجب ہیں. ان کا ادا کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے, ان کی ادائیگی میں سر دھننا, ان کی ادائیگی میں منصوبہ بندی کرنا, ان کی ادائیگی میں اپنے آپ کو کھپانا, لگانا, نظام مرتب کرنا, ان کی ادائیگی میں جہد مسلسل کرنا, ان کی ادائیگی میں اپنے آپ کو بہت دور تک لے جانا, اور ان کی ادائیگی میں انتہا کرتے ہوئے جام شہادت پینا پڑے تو پی جانا, یہ ایک امتی پر لازم ہے. فرانس کی زمین پر
रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई, आप अलैहिस्सलाम के खाके बनाए गए, आपके कार्टून शाये किए गए। तो एक जवाब तो वो है, एक जवाब तो वो है जो दीवानों ने दे दिया है और दीवाने दे रहे हैं और दीवाने देते रहेंगे। एक जवाब तो वो है जिसे दुनिया मनफी कहती है। मैंने अर्ज किया था शुरू में, हमारे लिए दोनों मुस्बत हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, हमारे लिए हमारे बाप से ज्यादा, हमारे लिए हमारी माँ से ज्यादा, हमारे लिए हमारी बहन से ज्यादा, हमारे भाइयों से ज्यादा, हमारे बच्चों से ज्यादा, हमारी बीवी से ज्यादा, हमारे मालो दौलत से ज्यादा, हमारी कुल कायनात से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा अजीज तरीन और सबसे ज्यादा कोई महबूब है तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें उनसे बढ़कर कोई अजीज नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने इसकी मिसालें छोड़ी हैं। एक जंग में एक बेटा यह कहता है, एक जंग में एक बेटा गालिबन अपने बाप से यह कहता है, अल्लाहु आलम सहाबी रसूल हैं, कि आप मेरे सामने थे तो मैंने इसकी रियायत की कि आप मेरे बाप हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे सामने होते और इस्लाम और कुफ्र का मुकाबला होता तो मैं इसकी रियायत ना करता कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरा खून हो या मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है। मेरे लिए हुक्म रसूल ही सब कुछ होता, गर्दन उड़ानी थी मतलब उड़ानी थी, हम इसकी रियायत ना करते। बार कैफ ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में बिलखसूस आलम इस्लाम में, आलम इस्लाम के फॉलोवर्स में जो बेचैनी है, जो इस्तराब है, जो दर्द व गम की कैफियत है, हर ईमान वाला बोल रहा है, लिख रहा है, कह रहा है, हर ईमान वाले की जबान खुल रही है, हर ईमान वाला अपने दर्द व गम का इजहार किसी न किसी पहलू से और किसी न किसी जाविये से कर रहा है, और वह अपनी मोहब्बत का सबूत फराहम कर रहा है, अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर रहा है, और वो ये बता रहा है आलम दुनिया की उन तागूती ताकतों को, आलम दुनिया के उन बागियों को जो अल्लाह के बागी हैं, जो रसूलुल्लाह के बागी हैं, जो इंसानियत के बागी हैं, अहले इस्लाम ये बता रहे हैं हमारे लिए हमारी जानों से ज्यादा अजीज मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। हम और आप अहले ईमान हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोस के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ात की जो शक्लें हैं और उसकी जो दिफाई पोजिशनें हैं उनको समझें और अपनी ज़िंदगी का मकसद नस्बुल ऐन उसको बनाएं। और रसूल पाक से जुनूनी ताल्लुक़ की ज़रूरत है, रसूल पाक से जुनूनी ताल्लुक़ की ज़रूरत है। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक खातून ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और उसका मामला पूरे तौर पर वाजे नहीं हो सका, मुजमल सा रहा, मुफस्सल ना हो सका, वाजे नहीं हुआ। और मौजूदा सरकार के जो वजीर आजम है उन्होंने उस सिलसिले में कुछ हल्की सी हल्के से तसाहुल से काम लिया, गफलत से काम लिया। तो हमारा जो पढ़ा लिखा बिलखसूस असरी तालीम गाहों का तबका है, उसने ये बात कही कि उस मुल्क के वजीर आजम मोहतरम इमरान खान साहब जरा मामले को संजीदगी से ले रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आया इस खातून ने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की भी है या नहीं, वो इसकी तहकीक में लगे हुए हैं। उस वक्त इस गुनहगार ने एक मौके से ये बात कही थी कि हमारे लिए कुछ रिश्ते, कुछ जातें, कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि वहां किसी तहकीक को हम जरूरी नहीं समझते। अगर आप वहां भी तहकीक को जरूरी समझते हैं तो अल्लाह की कसम फिर किसी की जात महफूज नहीं रहेगी, फिर आपके पूरे वजूद इस्लाम पर वो अंगुश्त नुमाई होगी, वो तीर बरसाए जाएंगे, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। हाँ, अगर ये पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो बेगुनाह को सजा तो नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ अगर गुनहगार पाया गया है तो फिर उसका हल वही है, इसके सिवा कुछ नहीं है जो अताउल्लाह शाह बुखारी कह गए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, पहला हक जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुझ पर और आप पर
ईमान बिर रसूल है, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर। एक जगह कुरान में अल्लाह कह रहे हैं वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं वही अपने परवरदिगार के नजदीक सच्चे होते हैं। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जे ज़ेल उमूर पर ईमान लाने को ज़रूरी करार दिया। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाओ ये ज़रूरी है, फरिश्तों पर ईमान लाओ ये ज़रूरी है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाओ ये ज़रूरी है, और अल्लाह के भेजे गए रसूलों पर पैगम्बरों पर ईमान लाओ ये ज़रूरी है, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, तकदीर के अच्छे या होने पर सब अल्लाह की तरफ से है इस पर ईमान लाओ। रसूल पर ईमान लाने का मतलब यह है अल्लाह के अल्लाह ताला बंदों में अपने अहकाम पहुंचाने के लिए उन्हीं में से अपने चुने हुए बंदे किताबें और मौजिजे देकर जिनको भेजते हैं, जिनको या तो नबी कहा जाता है या रसूल कहा जाता है, जिनमें आदम अलैहिस्सलाम सबसे अव्वल है और जिनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे बाद में आए हैं, उन तमाम नबियों पर इस तफसील के साथ, उन तमाम नबियों पर इस हैसियत के साथ, उन तमाम नबियों पर इस पोजीशन के साथ कि ये तमाम की तमाम चीजें आपके जहन में हो, ईमान लाना जरूरी है। रसूलुल्लाह का पहला हक ईमान बिर रसूल, रसूलुल्लाह का पहला हक रसूलुल्लाह पर ईमान लाना। क्या ईमान लाएंगे? वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ईमान लाना, वो अल्लाह के रसूल हैं और वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी मैसेंजर हैं, वो अल्लाह की तरफ से आखिरी किताब लाने वाले हैं। जी हाँ, उनके मुकम्मल निज़ाम पर ईमान लाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हक है। दूसरा हक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको आखिरी नबी मानना, ये आपका बुनियादी हक है और आपका आपके अव्वलीन तरीन हुकूक में से है। आपको आखिरी नबी मानना, और याद रहे नबुव्वत की जितनी अकसाम हो सकती हैं, नबुव्वत की जितनी शक्लें हो सकती हैं, नबुव्वत के जितने पहलू हो सकते हैं, नबुव्वत के जितने रास्ते हो सकते हैं, नबुव्वत के जितने दरवाजे हो सकते हैं, उन तमाम के तमाम को नबी पाक पर ख़त्म मानना और उन तमाम का आखिर मानना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बुनियादी हक है कि आप तमाम नबियों के आखिर में आने वाले अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। दूसरा हक रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना। जाहिर है कि जब ये रसूल पाक का बुनियादी हक है, कुरान इस सिलसिले में साफ लफ्जों में ये बात अर्ज कर रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबियीन। कुरान कह रहा है मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, हाँ अल्लाह के रसूल और सब नबियों के खातम हैं और अल्लाह सब कुछ जानता है। इस ऐलान के बाद ये दावा कर दिया गया और ये ऐलान आम कर दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इनके बाद अगर कोई बंदा नबुव्वत का दावा करता है, ये दावा करता है कि उसको नबी बना दिया गया है किसी पहलू से, किसी रास्ते से, किसी शक्ल से, किसी जाविये से, किसी किस्म से, कोई बंदा रसूल पाक के बाद नबी नहीं हो सकता। वह खातमन नबियीन कह दिया गया है, बाबे नबुव्वत को मुकफ्फल कर दिया गया है, मेरा नबी आखिर
आखिरी नबी है, मेरा मोहम्मद आखिरी रसूल है, उसके बाद कोई नबी नहीं है, उसके बाद कोई रसूल नहीं है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का बुनियादी दूसरे नंबर का हक है कि नबी पाक को आखिरी नबी माना जाए। और जाहिर है कि जहां ये हक है वहां इस हक के दिफा में, इस हक की बाजियाबी में, इस हक के बचाव में, इस हक की अदायगी में अगर किसी ऐसी राह से गुजरना पड़े कि कोई मुद्दई नबूवत आपको मिल जाए, कोई कमीन का बच्चा आपसे ये कहे कि उसको नबी बना दिया गया है, उसको नबूवत के ताज से सरफराज कर दिया गया है, कोई मनहूस आपसे ये कहता है कि उसको नबूवत की किसी किस्म से नबूवत की कोई किस्म अता कर दी गई, कोई कमबख्त आपसे ये कहता है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद किसी एतबार से किसी दरवाजे से नबी आया है, वो सिवाय इसके किसी और का मुस्तहिक नहीं है। आप अपने हाथों को खोलिए, आप अपने हाथों को, अपनी लातों को खोलिए और उसका कीमा बना डालिए, उस सूअर को जमीन दोस्त कर दीजिए और ये बता दीजिए हम इस जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामूस की खातिर हमेशा से तैयार थे और हमेशा तैयार रहेंगे। ये हुजूर पाक का बुनियादी दूसरे नंबर का हक है, ईमान बिर रसूल नंबर एक, और फिर आपको आखिरी नबी मानना, यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बुनियादी हक है। ये तमाम हुकूक की तफसीलात हैं, मौका नहीं है वरना मैं इसको तफसील से अर्ज करता। आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बुनियादी हक आपको आखिरी नबी मानना। इसे कल्ब व जिगर में बसा लीजिए, हुजूर आखिरी, कोई आपके बाद नबी ना आया है ना आने का मतलब ही जो कहता है उसके साथ क्या करेंगे। हाँ, हाथों को खोल लीजिएगा बिला किसी तकल्लुफ, हर घूसे पे सवाब मिलेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा बुनियादी हक रसूलुल्लाह की इताअत करना। काश के मैं और आप इताअत करते, काश के मैं और आप रसूलुल्लाह की इताअत को अमली जामा पहनाते और पूरी दुनिया में इताते रसूल के हवाले से इस ज़मीन पर अपने वजूद को मुसलमान साबित करते, तो अल्लाह की कसम ये हालात ही बरपा ना होते। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। जी हाँ, इताअत रसूल वाजिब है और मुस्तकिल वाजिब होने का मतलब ये है कि आपका हर हुक्म मानना ये मुसलमानों के जिम्मे वाजिब है। आपकी इताअत की जाए, आपके दिए हुए निज़ाम को फॉलो किया जाए, आपकी तालीमात पर अमल किया जाए, आपने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनको हराम समझकर अपनी ज़िंदगी से पूरे तौर पर निकाल फेंका जाए और ऐसी किसी चीज़ को ज़िंदगी में ज़रूरी और दाखिल न समझा जाए जो रसूल पाक की इताअत से टकराती हो। आप अलैहिस्सलाम ने जिन अवामिर को करने का हुक्म दिया है उनको किया जाए, जो मारूफात इख्तियार करने, जो महासिन अपनाने और जो भलाइयाँ फैलाने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उनको किया जाए, उनको इख्तियार करके फैलाया जाए। और जिन नवाही से, जिन कहिए कि मनहियात से और जिन बुराइयों से आप अलैहिस्सलाम ने बचने का हुक्म फरमाया है उनसे पूरे तौर पर बचा जाए। मा आता الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, इस आयत को सामने रखकर इसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की कोशिश की जाए। मैं युतिअ الرسول فقد اطاع الله, कुरान ने कहा जिसने रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह की इताअत की। कुरान कहता है वमन युतिअ الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن तवल्ला युअज़िबहु अज़ाबन अलीमा। कुरान कह रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और जो रू गर्दानी करेगा उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। ये रसूल पाक का बुनियादी हक है। तीसरे नंबर का हक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। और चौथे नंबर का बुनियादी हक रसूलुल्लाह का अदब व एहतराम करना। जी हाँ, रसूलुल्लाह का
रसूलुल्लाह का अदब व एहतराम करना क्यों करना। अन्नबी व औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, वो हमें हमारी जान से ज्यादा अजीज हैं, प्यारे हैं। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करना क्यों? इसलिए कि ये उनका बुनियादी हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करना क्यों? वो अल्लाह के महबूब हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो महबूब कुल जहां हैं, वो खातमुन नबीयीन हैं, वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। इस दुनिया को उन्हीं के सदके बनाया गया है। मोहम्मद ना होते तो कुरान कह रहा है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है ताकि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसका साथ दो और उसका अदब करो। कुरान ने इसका हुक्म दिया। सहाबा इकराम से कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम। सहाबा मुखातब है, बराहे रास्त सहाबा को खिताब किया गया। आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो अपने अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद न किया करो। जी हाँ, और न नबी की साथ ऊंची आवाज में बात किया करो। जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हो, ऐसा करना बेअदबी है। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे नेक आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अंतहबता आमालुकुम, कुरान कह रहा है तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी ना होगा, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा, तो अंदाज़ा भी नहीं होगा। अल्लाह पाक तुम्हारे नेक आमाल को ज़ाय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम को पामाल करने वाले हो। नबी पाक की मौजूदगी में आपका एहतराम वाजिब, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी आपका एहतराम वाजिब है। जी हाँ, नबी पाक का अदब व एहतराम करना, और अकाबिर ने, असलाफ ने, बुजुर्गान दीन ने, अल्लाह के नेक बंदों ने इस दुनिया में जो अनमिट नकूश छोड़े हैं, ये दुनिया रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं ला सकती। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाही अलैह दरसे हदीस दे रहे हैं, और हदीस पढ़ाते हुए आपको अचानक आपने एक ठंडा सांस भरा, एक आह सी आपने भरी, और फिर कुछ देर के बाद वक्फे से फिर आपने एक आह भरी, और फिर कुछ देर के बाद वक्फे से फिर एक आह भरी। दरसे हदीस का सिलसिला मौकूफ किया गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह से उनके तलबा ने पूछा, उनके शागिर्दों ने पूछा, हजरत जो आह भरी थी इसकी वजह क्या थी, इसका सबब क्या था? इमाम मालिक ने कहा मैं हदीस पढ़ा रहा था, आपने जो अपने कुर्ते को उठाया तो अंदर एक बिच्छू डंक मार रहा था। आपके दीवानों ने, आपके शागिर्दों ने पूछा ये बिच्छू आपको काट रहा था, तकाजा ये था, वक्त का तकाजा ये था, आप उठ खड़े हो जाते, अपनी जान की हिफाजत करते। करोड़ों सलाम हो इमाम मालिक की अजमत को। उन्होंने कहा अदब का तकाजा ये था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलाम को पढ़ा रहा था, आपकी हदीस पढ़ा रहा था, इस बात का अदब माने रहा कि मैं अपनी जात की हिफाजत के लिए खड़ा होता, इसलिए मैं पढ़ाता रहा। जी हाँ, ऐसे ही कुछ अनमिट नकूश छोड़े हैं इमाम रब्बानी हजरत गंगोही नव्वर अल्लाह मरकदहू ने। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही गंगोह के मदरसे में अपनी खानकाह के इहाते में दरसे हदीस दे रहे हैं, तलबा आपके सामने मौजूद हैं। जी हाँ, तलबा इकराम को आप बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ाते जाते हैं, अचानक बारिश आ जाती है, आप तलबा से कहते हैं उठाओ ज़रा तिपाइयाँ, उठाओ ज़रा किताबें और
लेकर के चलो। और फिर दुनिया ने देखा, आसमान दुनिया ने यह मंजर देखा, अल्लाह के फरिश्तों ने यह मंजर देखा, अल्लाह की कुदरत ने सारी दुनिया को यह मंजर दिखाया कि इमाम रब्बानी, वो इमाम रब्बानी जो रशीद अहमद गंगोही है, देवबंद की जमीन का सरखेल है, वो इमाम रब्बानी जिसको फकीहुन नफ्स कहा गया है, जो थानवी का उस्ताद है, जो हजरत महमूद अल हसन देवबंदी का उस्ताद है, जो अकाबिरी ने देवबंद की सफ का सरपरस्त है, वो हजरत गंगोही उन तलबा से कहते हैं उठाओ ये किताबें, उठाओ उठाओ ये तिपाहियां, उठाओ और जरा लेके चलो। फिर आसमान दुनिया ने देखा कि गंगोही ने उन तलबा के जूते अपने दामन में भरे और लेके चले। तलबा दौड़े, हजरत आप ये क्या करते हैं? कहा मैं इस एहतराम में उठाता हूं तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के हासिल करने वाले। जी हां, रसूलुल्लाह का अदब व एहतराम ये लाजिम है अहले ईमान के जिम्मे, ये हुजूर का चौथा बुनियादी हक है। दोहराएंगे मेरे साथ, पहला ईमान बिर रसूल, अल्लाह पर ईमान लाना। दूसरा अल्लाह को, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना पहला। दूसरा अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानना। तीसरा अल्लाह के रसूल की इताअत करना। चौथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करना। हजरत अनस, हजरत मालिक बिन अनस, यही जिनके बारे में मैंने अभी अर्ज किया है, जब हदीस रसूल बयान करने का इरादा फरमाते तो पहले गुस्ल करते, ये अदब है। फिर ऊद की धुनी लेते, ये अदब है। फिर खुशबू लगाते, ये अदब है। और अगर कोई इस दौरान आपसे ऊंची आवाज़ में बात करता तो आप उसे कहते अपनी आवाज़ को पस्त रखो। हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने बड़े अजीब नुकूस छोड़े हैं। इससे माजी करीब का एक दीवाना गुजरा है जिसको दुनिया शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से याद करती है। साहिब फ़ज़ाइल आमाल शेख के हालात में लिखा है कि शेख रोज़े अतहर पर जाकर सामने की जानिब से सलाम पेश नहीं करते थे। किसी ने पूछा कि हज़रत बात क्या है, मवाजा शरीफ पे आप हाजिर नहीं होते, आप चेहरे अनवर के सामने जाके सलाम नहीं पढ़ते, तो आप खामोश हुए। हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब मुहाजिर मदनी रहिमहुल्ला, जो हज़रत के ख़ास खुलफा और ख़ुद्दाम में से थे, हजरत से मेरी बात बराह रास्त इस सिलसिले में इस क़स्से को लेकर हुई। मौलाना हबीबुल्लाह साहब ने सुनाया कि एक मौके पर हम लोगों ने हजरत से इसरार किया, मस्जिद नबवी बंद होने का वक्त था, कोई नहीं था। तो मैंने शेख से कहा कि शेख ज़रा अब इस वक्त कोई नहीं है, रश भी नहीं है, आप चेहरे अनवर की तरफ से सलाम पढ़ें। व्हील चेयर पर बैठे होते थे, मदीना मुनव्वरा के क़याम का ज़माना है, आखिरी दौर है। अल्लाहु अकबर। हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना हबीबुल्लाह साहब फरमाते हैं कि बात को कबूल किया और चले, और चेहरे अनवर के सामने जैसे गए और जाकर यूं गर्दन घुमाई और सलाम पढ़ना चाहते थे। मौलाना हबीबुल्लाह साहब ने सुनाया एक चीख हज़रत शेखुल हदीस साहब ने मारी और बेहोश हो गए, गिर गए। हम लोगों ने पानी डाला, होश में लाया गया तो शेख फरमाते थे चलो जल्दी चलो, ज़करिया का चेहरा इस काबिल नहीं है जो इनके सामने लाया जाए। सुनो क्या जवाब दोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, बताओ। तुमसे पूछता हूं जवानों, तुम्हें अपने मशागिल से निकलने की फुर्सत नहीं है। फ्रांस की जमीन पर तुम्हारे नबी की अजमत को, तुम्हारे नबी के नामूस को तार तार किया गया, तुम्हारे नबी पर उंगली उठाई गई, तुम्हारे नबी के साथ ज़ियादती की गई। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें अपने मशागिल से निकलने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपने कारोबार से निकलने की फुर्सत नहीं है। अगर क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछ लिया मेरे नामूस की खातिर तुम्हारे लिए उठने का वक्त नहीं था, मेरे नामूस की खातिर तुम दो बोल नहीं बोल सकते थे, दुनिया मुझ पर कीचड़ उछालती थी, तुम मेरे रंग में रंग कर दुनिया को मेरा चेहरा नहीं दिखा सके, मेरी जात नहीं बता सके, मेरा किरदार नहीं बता सके, मेरे अकवाल पेश नहीं कर सके। चौहान बांगर के जवानों बताओ, तुमसे पूछता हूं क्या तुम में सकत है इस बात की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सामना कर सकोगे? है कोई जियाला जो कहते? जरा पूछो
सोचो, गौर करो, तखय्युल की दुनिया में वादिये मक्का का सफर करो, मक्का मुकर्रमा की पहाड़ियों के दरमियान चले जाओ, नशीब के इलाके में जाओ, फरास के इलाके में जाओ, पहुंचो उस जमीन पर जिसे मक्का कहा जाता है। वहां आपको एक दीवाना मिलेगा जिसका नाम हजरत खुबैब है, जिसका नाम हजरत खब्बाब है, जिसका नाम हजरत सुहैब है। हाँ हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, लाखों दीवाने हैं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आबरू पर अपनी जान लुटाते हैं। हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ताजीम है, ये अदब है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये चाहत है, ये दीवानगी है, ये फरजानगी है, ये प्यार है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मरमिटना है। हजरत खुबैब से पूछा गया एन उस हालत में जब कुफारे मक्का ने उनको पकड़ा, पकड़ के फांसी देना चाहते थे, एक जालिम ने आगे बढ़ के कहा, खुबैब अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक फांसी दे दी जाए। हजरत खुबैब के तेवर चढ़े, पेशानी पे बल आ गए, जलाल आ गया और भरपूर जलाल में फरमाया, ओ मनहूस की औलाद सुन, तू ये कहता है कि मेरी जगह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को फांसी दे दी जाए, अल्लाह की कसम मैं ये भी गवारा नहीं करता मेरी जान बचे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पांव के तलवे में कोई कांटा चुभ जाए। ये है रसूलुल्लाह का अदब, ये है रसूलुल्लाह की ताजीम। हाँ हाँ, आपको तो ब्रांडेड आइटम का शौक पड़ा है, आपको तो फ्रांस की घड़ी पहननी है, आपको तो फ्रांस का माल पहनना है। सुनो, जो तुम्हारे नबी का नहीं हो सका वो जमीन पर किसी का नहीं होगा। उसूल मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी के दोस्तों से दोस्ती और अल्लाह के नबी के दुश्मनों से ला तजअलू दुआ अर-रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम कुरान बादा का दुआ इबादिकुम बादा। कुरान कह रहा है लोगों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को ऐसा मामूली ना समझो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुला लिया करते हो। हाँ हाँ, ये सहाबा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया जा रहा है। इसलिए चौथा बुनियादी हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करना, और आपका पांचवा बुनियादी हक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना। कैसी मोहब्बत करेंगे, कैसी मोहब्बत करेंगे? हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। मेरे आका कहते हैं उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा मुझ मोहम्मद को अजीज न समझो। सईदना फारूक आजम तशरीफ फरमा है, हुजूर पाक से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे सारी कायनात से ज्यादा महबूब हैं, बाप से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा, बीवी से भी ज्यादा, बच्चे से भी ज्यादा, आप सारी कायनात से ज्यादा महबूब हैं। बस अगर मैं किसी शय को आपसे ज्यादा अजीज समझता हूं तो वो मेरी अपनी जान है। अल्लाह, इधर हुजूर पाक ने उमर की जबान से यह जुमला सुना, उधर हुजूर ने कहा, नहीं उमर, अभी नहीं, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। कुछ देर का तवक्कुफ किया, मन की दुनिया में गए, खुद को टटोला, खुद को संभाला, अपनी तवानाई को जमा किया, सारे जज्बात समेटे, सारे ख्यालात समेटे, सारी दुनिया को एक तरफ किया और उस एक दुनिया में अपनी जान को भी एक तरफ रखा। और अब कहा फारूक आजम ने, ऐ अल्लाह के महबूब, अब आप मुझे सारी दुनिया से, मां अपनी जान के सारी दुनिया से ज्यादा अजीज हैं। हुजूर ने फरमाया, अल आन, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। पांचवा रसूलुल्लाह का बुनियादी हक क्या है, हुजूर का बुनियादी हक क्या है? कैसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत करोगे कि फ्रांस तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करे और तुम ब्रांडेड आइटम के साथ जिंदगी गुजारोगे? तुम्हें सारी चीज ब्रांडेड चाहिए? हाँ हाँ, सुनो, वो हमारा नहीं जो हमारे रसूल का नहीं, वो हमारा नहीं जो हमारे नबी का नहीं, वो हमारा नहीं जो हमारे इस्लाम का नहीं। हम पूरी दुनिया को ये बात बता दें, पूरी दुनिया भी इस मंजरनामे को वाजे कर दें, लोगों सुनो, अगर हमारे नबी की ताजीम करोगे तो तुम हमारे हो, अगर तुम नबी के नहीं तो तुम हमारे भी।
ये हमारे ईमान का जुज है, और अगर कोई निकाल सकता है तो निकाले। हमारे इस ईमान के जुज, हमारे इस ईमान के जुज को कोई निकाल सकता है तो निकाले। हमारे इस ईमान को वो जान तो निकाल सकता है, ईमान नहीं निकाल सकता। हम खुबैब के गुलाम हैं, कब्बाब के गुलाम हैं, हम हजरत बिलाल के गुलाम हैं, अम्मार के गुलाम हैं, आले यासिर के गुलाम हैं। लोगों सुनो, तुमने नहीं देखा वादी मक्का में, तुमने नहीं देखा उस 90 साल की बूढ़ी माई को सैयदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा वो जहल आके कहता है, सुमैया एक काम करो, जरा सा फिर जाओ, बदल जाओ, मोहम्मद को छोड़ दो, फिर देखो, अमान दूंगा, इज्जत दूंगा, दौलत दूंगा, मक्के में शोहरत दूंगा, नाम दूंगा। वो 90 साल की बूढ़ी माई, जवानों वो बूढ़ी थी, बूढ़ी वो जवान नहीं थी। तुम्हें दाढ़ी रखते मौत आती है, तुम्हें पाजामा कुर्ता नबी से अकरब तरीन लिबास पहनते मौत आती है, तुम्हें नबी का चेहरा बनाते मौत आती है, तुम्हें नबी की तारीफ करते मौत आती है। तुम झंडा उठाने को जरूरी समझते हो, सीरत की जिंदगी बनाने को जरूरी नहीं समझते। तुम मोहम्मद का चेहरा नहीं बनाते, तुम मोहम्मद का किरदार नहीं अपनाते। आओ मैं तुम्हें वादी मक्का लिए चलता हूं। 90 साल की बूढ़ी माई है, तुम्हारी तो मसलिहतें हैं, शादी नहीं हुई है, तुम्हारी तो मसलिहतें हैं कि तुम्हारे पास अभी बहुत से तकाजे हैं, तुम्हें फ्यूचर बनाना है, तुम्हारी तो मसलिहतें हैं कि तुम्हें लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी तो मसलिहतें हैं तुम्हें ऑफिस को जाना है, तुम्हारी तो मसलिहतें हैं कि तुम्हें समाज में बैठना है। और सुनो, वहां सुमैया पे जान को बनी है, कोई मसलिहत नहीं है। बराहे रास्त अबू जहल को खिताब करके कहती हैं, ओ मनहूस की औलाद सुन, गौर से सुन, तो सुमैया की जान ले सकता है, मोहम्मद पे लाया हुआ ईमान नहीं ले सकता। मेरी और आपकी तो मसलिहतें हैं ना, हाँ हाँ, जवाब दे सकोगे तो दे देना, मैं आपको कह रहा हूं, जवाब देने की सकत रखते हो ना, हिम्मत रखते हो तो दे देना। कयामत का दिन होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसी उम्मीदें लगाई, कैसी उम्मीदें लगाई। हजरत सौबान कहते हैं, जरा सुने हुजूर से, हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला उन्होंने हुजूर को देखा, आपने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा, अल्लाह मुझे मेरे भाइयों से जल्दी मिला दीजिए। हजरत सौबान ने यह दुआ करते हुजूर को सुना, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मुझे मेरे भाइयों से जल्दी मिला दीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को हजरत सौबान ने सुना, दुआ से फरागत पर हुजूर से कहा, ए अल्लाह के महबूब, आप किन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, हम आपके भाई नहीं हैं। सहाबी रसूल मचल गए कि हुजूर किसके लिए मोहब्बत भरा, प्यार भरा, शफकत भरा, अपनाइयत से लबरेज जुमला कहते हैं। हजरत सौबान ने हुजूर पाक से पूछा, आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं। हजरत सौबान से हुजूर ने कहा, सौबान कुछ लोग दुनिया में मेरे बाद आएंगे। कौन आया, कौन आया, आपसे सवाल करता हूं, बोलो कौन आया। हम आए। आपने फरमाया, सौबान कुछ लोग मेरे बाद दुनिया में आएंगे और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते होंगे, उम्मीद देखो उम्मीद। हुजूर ने फरमाया, सौबान वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते होंगे, अगर उन्हें ये इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी औलादों को बेचकर मेरा दीदार कर लें, सौबान मुझे उनसे उम्मीद है वो अपनी औलादों को मेरे दीदार की खातिर बेच डालेंगे। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, हम सब हुजूर पाक से इतनी ही मोहब्बत करते हैं। और फिर ये पैगाम आलम दुनिया को देते हैं, फ्रांस का सदर हो या किसी और जमीन का कोई दरिंदा हो, हम सबसे कहते हैं, अगर नबी की इज्जत पर, अजमत पर, नामूस पर किसी तरह की कोई पांच आती है तो हम इसको किसी सूरत गवारा नहीं करेंगे। जान दे भी सकते हैं, जान दे भी सकते। मैंने 2-3 हफ्ते पहले गुफ्तगू अर्ज की थी आपके सामने, आखिरी दम तक इस्लाम पर कायम रहना, बहुत हुआ मियां, अब आलम दुनिया पूरे तौर पर तुम्हारे खिलाफ बगल बजा चुका है, कुफ्र मुत्तहिद है, यहूद है, ईसाई है, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है, तुम तनहा हो, तुम तनहा हो, इस नजरिए पर जियो, तुम्हें मुसलमान मरना है। ये 5 हक मैंने इस वक्त में अर्ज किए हैं, ईमान बिर रसूल, पहला हक अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, दूसरा हक अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानना, तीसरा हक रसूलुल्लाह की, चौथा हक रसूलुल्लाह का अदब व एहतराम करना, और 5वां हक रसूलुल्लाह से
रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दिफा में आप क्या क्या कर सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट पढ़ते हैं और कोई ऐसी मुखालिफ पोस्ट जिसमें रसूल की इज्जत अजमत को तार तार किया गया हो, तो आपके जिम्मे वाजिब है आप ऐसी अहादीस लाएं, आप ऐसा जखीरा लाएं जो रसूल की तालीम पर मुश्तमिल हो, जो रसूल के किरदार पर मुश्तमिल हो। सोशल मीडिया पर बैठ के नेकियां कमाओ, सोशल मीडिया को दीन बनाओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दीन बनाओ। वो तुम्हारे नबी के मुखालिफ कुछ और भेजता है, तुम रसूल की तालीम भेजो। वो तुम्हारे नबी की किरदार कुशी करता है, तुम नबी के महासिन भेजो, हुजूर की जिंदगी भेजो, हुजूर की शरीयत भेजो। छोटे छोटे पोस्ट बनाओ। ये पढ़े लिखे जवान, ए जवानों तुम्हारी जरूरत है सोशल नेटवर्क को। आलम इस्लाम चीख चीख के पुकार रहा है, सोशल मीडिया की कमान संभालो, पांव तले रौंद डालो। फेसबुक को, ट्विटर को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, या इसके अलावा गूगल है, यूट्यूब है, कुछ भी हो, जहां जाओ वो किरदार पेश करो कि तुम्हारी नबी की तालीम से वो ऐप पूरे तौर पर लबरेज हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। आज 12 रबीउल अव्वल है मियां, झंडे लेकर मत जाना, झंडे लेकर मत जाना। अब जरा सा पैटर्न बदलो, अब ट्रेंड बदलो। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात का तारुफ चाहते हो तो करने का काम यह है कि जगह जगह कैंप लगाओ। ये 12 रबीउल अव्वल है, आज 12 रबीउल अव्वल है, अभी पूरा महीना तकरीबन बाकी है, 18-20 दिन आपके पास हैं। आप ये करें, जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए जाए, पानी की सबीलें लगाई जाए, बीमारों को दवाओं का इंतजाम किया जाए, बेसहारों का सहारा बनो। हाँ हाँ, इसलिए बनो, उन्हें बताओ इस महीने में हमारे आका आए थे जो सारी दुनिया के बेसहारों का सहारा थे, हम उन्हीं की आमद की खुशी में तुम्हारे सहारा, तुम बेसहारों का सहारा बन रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाओ, पानी की सबीलें लगाओ, गैर मुस्लिमों के साथ उनके हॉस्पिटलों में जाकर उनकी आयादत करो, उनके साथ भलाई और मोहब्बत का मामला करो। कमीनों की दुनिया तुम्हारे नबी के किरदार को मजबूर कर रही है और तुम मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि नबी के किरदार को जिंदा करो। ये करने के काम है। कंबल बांटो, सर्दी का जमाना है, गर्म कपड़े दिलवाओ, फोटो मत खिंचवाना। ये तुम्हारी ढक्कन तंजीमें जो होती हैं, ये फला तंजीम है, ये फला तंजीम है, फला तंजीम है, क्या क्या मुसीबत होती है कोई महल्ले की सतह पर, और जनाबे मन आगे बढ़िए तो कोई शहरी सतह पर, और नेताओं के चक्कर में मत आना, उनकी पॉलिटिक्स। मैंने पिछले जुमा को एक जुमला अर्ज किया था, पिछले जुमे को, वो ये था कि सियासी लीडरान को बुरा ना कहकर उनको मजबूर समझो। वो हाथों के कटे इंसान है, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ये करना है, करने का काम तुम्हारे जिम्मे है। तुम ये करो कि अपने नबी की तारी, अपने नबी के किरदार को जिंदा करो, उनके दरमियान जाओ, हुजूर की सीरत पेश करो। जगह जगह ऐसे बुक स्टॉल लगाए जाएं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो किताबों को उलमा से मिलके और उलमा से डिस्कस करने के बाद, उलमा से गुफ्तगु सुनीद के बाद, वो ऐसी किताबों का इंतखाब करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम पर मुश्तमिल हो, हुजूर के लिटरेचर पर मुश्तमिल हो। एक किताबों का स्टॉल लगाया जाए, जगह जगह बुक स्टॉल लगाया जाए और लगा कर वहाँ किताबें तकसीम की जाएँ। वो ये चाहते हैं इस्लाम मिट जाए, वो ही चाहते हैं इस्लाम खत्म हो जाए, और तुम्हें ये करना है कि इस्लाम गोशे गोशे और चप्पे चप्पे में फैल जाए। 5 हक हुए हैं, आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह इसी उनवान की मुनासबत से बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन 5 हुकूक की अदायगी के लिए कबूल फरमाए और कोशिश की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदकाए जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।